अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे सारे? उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह सबका अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। चले जी, हम रोल करने लगे हैं नान रोस्ट। आज सबसे पहले हम नान में कट लगाएंगे, उसमें लेमन, विनेगर, सॉल्ट, लहसुन अदरक और थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट को उस पानी में डिप करके 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उसको फ्राई करना है। जैसे कि ये देखें, मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि रान बहुत बड़ी थी, इसलिए मुझे एक बड़े से देखिए में इसको फ्राई करना पड़ रहा है। अभी रान हमारी फ्राई हो गई, अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने सिरके में वाले पानी में डिप, ठीक है, लेमन लहसुन अदरक वाले पानी में डिप किया, और अब हम इसको वो कर लेते हैं। ये दही है, इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च को पीस कर, गरम मसाला और लेमन और ऑयल डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इससे मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी, ठीक है। नमक हम हंसबे जाकर डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसको सोक किया था नमक वाले पानी में, नमक लहसुन अदरक और विनेगर और लेमन वाले पानी में। तो अब हम इसमें नमक हंसबे जाकर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही नमक ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं प्रॉपर। ये देखिए, अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं प्रॉपर, सही तरह से मैरिनेट कर लेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे सही तरह, ताकि सही तरह दही वगैरह इसमें ना अब्जर्व हो जाए। इसको हम ओवरनाइट रखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको अगले दिन, हमारे पास क्योंकि स्टीमर नहीं है, तो फिर हम इसको अगले दिन बड़े से देगची में इसी वाले दही के पानी में इसको पकने देंगे। और ये देखें, 2 से 2.5 घंटे में मेरी जो नान है वो बन गई है, उसी दही के पानी में जो इसके अंदर जिसमें हमने इसको मैरिनेट किया था, ये उसी दही में बिल्कुल गल गई है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये देखिए, हमारी नान यम्मी यम्मी सी हो गई है तैयार। चलें जी, आप भी ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा। हम साथ इसके वेजिटेबल्स फ्राई करते हैं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इसको हमने थोड़े से ऑयल में, और साथ लहसुन चॉप्ड है, सोया सॉस, सिरका और हल्का नमक डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे और अपनी नान के साथ सर्व करेंगे। बनाइएगा ज़रूर और मुझे भी बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू। कमेंट्स करिएगा, बताइए कैसा लगा, ट्राई ज़रूर करिएगा प्लीज़।